जब भी आपने सुबह आना है तो सबसे पहले जो है कि इसके फ्लैपर से आपने यहाँ से कर रखा है, ये फ्लैपर्स तो आपने कहा था, ये फ्लैपर्स आपने कहा था, ठीक है, इनको आपने साइड पर उतार, फ्लैपर्स आपके यहाँ लोग होके फिर ये आपस में फोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड करके फोल्ड होने के बाद आप किसी भी जगह पे कन्वीनियंट जगह पे आप इनको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो आपका ये फ्लैपर है, ये दो चीज़ें जो है इनको अपने अंदर को फोल्ड करना है, दोनों उसके लॉक से इनको अपने अंदर को फोल्ड करना जरूरी है। उसके बाद इसको अपने ऊपर को उठाना है और बिल्कुल बैलेंस वे में अपने इसको स्लाइड अगर आसानी से अगर बैलेंस रखेंगे तो आसानी से स्लाइडिंग हो जाएगा, अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो ये से एक साइड से उठाया हुआ था ऊपर अंदर ही जा रहा है, ये आपका ओपन हो गया कार, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है तो यहाँ से अपने सिलेंडर का एक तो चीज़ ये कि सिलेंडर जो है ये 8 kg का सिलेंडर आपने इसमें मैक्सिमम 6 kg की गैस जो है मैक्सिमम 6 kg गैस फिल करवानी है, इससे ज़्यादा फिल नहीं करवानी। यहाँ से आपने इसकी नोज़ल जो है आपने आते ही लीकेज वगैरह इसकी चेक करनी है, यहाँ से लीकेज चेक करनी है, यहाँ से आपने लीकेज चेक करनी है। उसके बाद आपने इस नोज़ल को चलाने से पहले ऑब्वियसली सफाई सारी आपने पहले करनी है, आपने इसको खोला, ठीक है, और आपने अच्छा ये आपकी हॉट प्लेट है, ठीक है, इस जो ये इसका पायलट का वाल्व है, ये इसका इसके बर्नर का वाल्व है, ये इसका ट्रैश ड्रॉर है, ठीक है, और ये वाला इस बर्नर का जिसके ऊपर प्लेट लगा हुआ, इस बर्नर का ये वाल्व है जो कि ऊपर से चलता है, अभी मैं इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन सारी देता हूँ। उसके बाद आपका ये फायर है, ये फायर का लेड लगा हुआ है, ठीक है, फायर का लेड यहाँ से इसकी कीज़ को नाव हम लोगों ने इसके अंदर रखी हुई है, आप के पास जब ये कार्ट आएगा इसके अंदर कीज़ यहाँ नहीं होंगी, आप यहाँ से निकाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों की कीज़ इसके अंदर है, हम टेप लगा देंगे इसके अंदर, आप इसको अनलॉक करके यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, जब आप आए आपने इसको अनलॉक किया इसके साथ ये की लगाएंगे आप जे में रखनी है जहाँ मंदिर, ठीक है, ये आपका अनलॉक हो गया। इसके बाद इसको आपने ऑपरेट कर, ठीक है, ये नीचे स्टोरेज के लिए आपका स्पेस है, ये वाली जो साइड है ये फायर की साइड है जिसके बर्नर्स लगे हुए हैं नीचे, इसको आप जिस तरह ऑपरेट होना है मैं इसकी वीडियो भी 2 मिनट में आपको सारी बताता हूँ कि कितना, ये वाली जो साइड है ये सारी नीचे आप कर सकते हैं कुछ भी स्टोरेज पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारा आपका इसका स्टोरेज है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसके लाइट्स लगाओ, लाइट्स सारे लगाओ। अच्छा ये वाली वायर जो है ये आपकी है, आपके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ उसकी वायर है, ये फ्रायर के कंट्रोलर, ये वाला जो कंट्रोलर यहाँ पर उसकी ये मेन वायर है, इन दोनों वायर्स को ये बैटरी, इसके अंदर बैटरी अगर इन्वर्टर और बैटरी का जो स्मार्ट चार्जर है वो इसके अंदर लगा हुआ है, आपने यहाँ से इसका लेड ओपन करना है और यहाँ पर इसको लगा देना है दोनों, या आपने यहाँ पर इसका बटन लगा हुआ है आपने बटन ऑफ करके जाना है, इसको यहाँ से लगाया आपने और यहाँ से आपने इसको लगा दिया, ये दोनों आपके बटन्स यहाँ पे लग जाएंगे और आपकी दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ से आप आके अपनी लाइट्स ऑन कर सकते हैं, आपकी लाइट्स ऑन हो, ठीक है, अगर फ्रायर को आप चेक करना चाहें कि फ्रायर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ तो फ्रायर को आप यहाँ से बटन ऑन करके चेक कर सकते हैं फ्रायर ऑन हो, ठीक है, अभी फ्रायर को ये बटन को आपने ऑन करना नहीं है, चेक करने के लिए ऑन करना है, जैसे उसके लिए आप इसको भी चेक कर सकते हैं ऑन हो गया कि नहीं, इसमें लाइट आ गई, ठीक है, उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसके स्पीकर, ये इसका सोलर पैनल लगा है जिसकी कनेक्टिविटी सारी इस बैटरी के साथ है, इसका चार्जर यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, आपने जब भी इसको चार्ज करना है आपको आप यहाँ से इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं, साइड पर रख सकते हैं, आपको निकाले चार्जर को, चार्जर की केबल्स अवेलेबल है, इन दो केबल्स को आपने बैटरी को यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड आउट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स अवेलेबल हैं इनको लगा के, और इसको आपने एसी सप्लाई के साथ लगा देना है और ये चार्जर आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा डायरेक्ट, अगर आपने बैटरी को चार्ज करना है तो ये चार्जर इसलिए इसके साथ इसको दोबारा आपने पैक करके जहाँ पे रखा था आप इसको रख सकते। अच्छा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब आपने लेट्स सपोज के बैटरी लेयर लगा हुआ है, ठीक है, इसको जब भी हम लोगों ने ऑन करना है ये इसको, ठीक है, यहाँ पे मोड्स अवेलेबल है, आप इसको मोड के बाद स्कैन कर सकते हैं, इसके मोड्स हैं और उसको डिफरेंट मोड्स पे ऑक्स है, एफएम मोड है, इसका वाईफाई मोड है, डिफरेंट मोड्स पे इसको मोड कर सकते हैं,
इसका वॉल्यूम का है, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ऑक्स केबल लगा सकते हैं, इसके वही यूएसबी डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक स्पीकर इधर लगा है, एक स्पीकर उधर लगा है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब ये सारी चीज़ें तो अब चल रही हैं, लेट्स सपोज कि अगर इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम आ जाता है देन आप क्या करेंगे? ऊपर वाली वायरिंग जो है वो सारी की सारी इस साथ के अंदर हुई हुई है, बाकी सारी वायरिंग तो नज़र आ रही है आपको कि ये वायर यहाँ लगी है, अगर उसको प्रॉब्लम आता है हम वायर लाइट पर प्रॉब्लम आ गया तो हम यहाँ इसको उतार के लाइट को चेंज कर सकते हैं, अगर फ्रायर के पैनल में प्रॉब्लम आ गया तो हम उसको खोल के चेंज कर सकते हैं, इसका पैनल बाहर निकाल के हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग उनको ये नट्स हैं इनको खोलना पड़ेगा, खोलेंगे और हम लोग इनको इसका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट कर देंगे और दोबारा इसको लगा देंगे। अगर स्पीकर में प्रॉब्लम आता है देन हम लोग क्या करेंगे? स्पीकर में प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोगों को करना ही पड़ेगा, हम लोगों को इसको बाहर निकाल के ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ से हमें एक दफ़ा नीचे लेके जाना पड़ेगा प्लास्टिक के ऊपर, पॉज करिएगा। तो इसको आपने यहाँ से नीचे को करना है, बिल्कुल फ्लैट कर देना है, और इसी तरह दूसरी साइड का जो है हिंज है उसको भी आपने फ्लैट कर देना बिल्कुल, और इस तरह आपने इसको बाहर निकालना है, ठीक है, इस तरह करके ही आपका बाहर निकला है आप सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये कि हीट डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। ये ऊपर इसका स्पीकर का बॉक्स लगा हुआ है जिस जो MP3 के बैक एंड बॉक्स है जिसको आप एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये उसकी वायरिंग है, ये इस साइड का स्पीकर लगा है। अगर इन वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाता है तो जिस तरह मैंने आपको बताया उसको रिमूव करना है, अपने रिमूव करने के बाद ये स्पीकर्स की जो वायर्स जा रही हैं इसको आपने निकाल के इसके प्रॉब्लम को, इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है। अगेन आपने इसी तरह इसको लगा के और वो जो आपका हम लोगों ने फ्लैपर उतारा है उस फ्लैपर को दोबारा आपने स्लाइड इन कर देना है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका सारे का सारा ओवरव्यू था, और ये आपका जो ऊपर आपका UPS पैनल लगा हुआ है ये रिमूवेबल है, इसको आप दोनों साइड से उतार सकते हैं, दोनों साइड से आप स्लाइटली आपने सिर्फ इसको ये इसके अंदर लग गया, आपने सिर्फ दोनों हाथों से उतार करना है और ये से रिमूव हो जाएगा, इसको आप उतार के किसी भी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आपने अगर ऊपर रखना है तो आप यहाँ से दो साइड से यहाँ से भी और ऊपर से भी इसको इस एक हाथ से इसको इस तरह करेंगे उसके अंदर काफी रिमूव हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। वह मैं कोई स्क्रू रख के आप उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसकी हॉट प्लेट है जिसका पायलट आपने यहाँ से नीचे से ऑन किया, ठीक है। ये पीछे जस्ट कर, ये इसका होल बना हुआ है, यहाँ से आप पायलट को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप पायलट को देख सकते हैं, आपको पायलट यहाँ से नजर आ रहा होगा, वो पायलट थोड़ा थल्ले करो नजर आ रहा है जी, इतना पायलट चला रहा है, इतना पायलट चल रहा है। उसके बाद इस हैंडल, ठीक है, उसके बाद आपने इस हैंडल वाल्व को चलाना है और आपका बर्नर ऑन हो जाएगा। क्या देखो ये बर्नर चल गया, ये इसका पायलट का वाल्व है जिसको आपने यहाँ से देखना है, नीचे से आगे लगानी है और यहाँ से आपने देखना है आपका पायलट ऑन हो जाए, और ये पायलट को हल्का सा ऑन करके उसके बाद आपने इसका बर्नर ऑन कर दो, ठीक है। उसके बाद ये बर्नर है, बर्नर का बर्नर को ऊपर से ऑन करना होता है, इसका हैंडल वाल्व ये लगा हुआ है, आपने यहाँ से डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा ये ऑन किया और आपका बर्नर ऑन हो जाए। अभी क्योंकि बिल्कुल नए बर्नर हैं, जब ये 3-4 दिन चलेंगे अपने सुराख में बिल्कुल चेंज होगा, घूमेगा नहीं। इसको अगर यहाँ पे करके फिर आपने इनको घुमाना है ताकि फिर गैस ऑन होगी, ये बिजर आ जाए। अब ये फ्रायर है, फ्रायर का पायलट जो है वो यहाँ पे है, अपने सबसे पहले ये है पायलट का वाल्व है, ठीक है, और यहाँ पे पायलट लगा हुआ है, आपने हल्का सा वाल्व खोला है और यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल आ गया, अच्छा जी ये पायलट है, अपने सबसे पहले ये वाल्व खोल है, ठीक है, उसके बाद ये सेंटर में आग लगानी है, वहाँ पे पायलट चल गया उसका, ठीक है, उसके बाद आपने इसको खोलना है और ये बटन ऑन करना है, ये लेफ्ट वाला बटन, ये जैसे आप ऑन करेंगे आपको एक टिक की आवाज़ आएगी, टिक की आवाज़ से नीचे वाले बर्नर की आग लग जाएगी, वो सामने देखिए दोनों बर्नर ऑन हो गए, ये दोनों बर्नर ट्यूब्स वाले बर्नर हैं, दो ट्यूब्स के अंदर आग लग जाएगी, ठीक है, ये दोनों बर्नर ऑन हो गए, ये नीचे इसका ब्लो लगा हुआ है,
तो इसके प्रेशर को, एयर के प्रेशर को, जो आपकी गैस आ रही है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये सोलेनोइड वाल है जो कट ऑफ करता है गैस को जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे पूरा हो जाता है। और ये इसका टाइमर है जहाँ जिसे आप टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ मिनट सेकेंड दिए हुए हैं। मैंने 7 मिनट पर सेटिंग की हुई है, तो यहाँ पर आप 160 डिग्री भी हम लोगों ने सेटिंग की हुई, जब 160 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, दोबारा से टेम्परेचर पीछे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 7 मिनट जब दोबारा पूरे होंगे तो फिर ट्रिप का या बजर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर, ये टाइमर है और ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, अभी कम किया है, अभी जैसे ही सेकंड पे, सेकंड पे जाएगा तो ये आवाज बजर ऑन हो गया, ठीक है। वही सर, आप जब आपने बंद करना है तो आपने नीचे से उसी तरह वाल्व जो है उसको बंद करके फिर आपने सारी चीज़ें चेक करनी है, और इसी तरह आपने सारे वाल्व आपने बंद करके रखना है, पीछे से आपने सारी जो है पीछे जाना है, पीछे से आपने सारी अपनी गैस के कंट्रोल्स एंड ऑल दैट वो सारा कुछ बंद करना है, और फिर आपने इसको करना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैंने इस चीज़ को देखा, ये तो हम लोगों ने टेस्टिंग अभी किया ना, जब आपने सुबह आना है आपने यहाँ से इसको अनलॉक करना है, ठीक है। अनलॉक करने के बाद इस सिलेंडर को प्रॉबली 3 मीटर अवे, कोई 1.5 मीटर अवे रखना है आपने, इस सिलेंडर को बिल्कुल साथ रख के नहीं चलाना है। इस सिलेंडर को जितना हम लोगों ने पाइप किया इतना आपने अवे रख के चलाना है, क्योंकि हॉटलाइन है, हॉटलाइन के बिल्कुल साथ रख के इस सिलेंडर को आपने नहीं चलाना है। इसको आपने 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर या 4 से 5 मीटर दूर रख के आपने, ठीक है। आपने जब इसको कैरी करना है मतलब टो करना है उसके बाद आपने इसको उसके अंदर रख के, ठीक है। अब इसको जहाँ से आपने जब रात को जाना है तो आपने कोई ना कोई जंजीर वगैरह लगा के फिर इसको लॉक करना है, क्योंकि हम यहाँ तक मैक्सिमम लॉक कर सकते हैं। इससे आगे लॉक जो है वो आपने कोई जंजीर वगैरह लगा के आपने लॉक करना है, ठीक है।